जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दोबारा से स्वागत है। हम वंदन करते हैं हमारे इस चैनल पर जो आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आप भी हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं धन आने का और धन जाने का दोनों का प्रतीक और साथ ही हमारे जीवन में कुछ बदलाव है उसको भी देखने को अगर आप चाहते हैं तो छिपकली के ये संकेत आपको अपने जीवन में बता देंगे। और साथ ही अगर छिपकली आपको दिख जाए तो उस पर ये एक चीज डालने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शानदार उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहे ताकि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर लोग अक्सर घर में छिपकली देखते रहते हैं जो कि एक सामान्य घटना मानी जाती है, यहाँ तक कि हमें पता है कि छिपकली को एक सामान्य जीव जंतु माना गया है, लेकिन जीव जंतुओं और मनुष्यों के बीच प्रकृति का अपना एक अलग ही संबंध होता है। यह बात शायद कम ही लोग जानते होंगे कि शास्त्रों में छिपकली को एक बेहद खास जीव माना गया है। शास्त्रों में छिपकली को देखने और उससे जुड़ी कई गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिनकी जानकारी आपको मालूम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी को पा सकते हैं। शास्त्रों में विख्यात शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर दिखना, शरीर पर गिरना और भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं की ओर इशारा करता है। इसके अलावा भी छिपकली का शरीर के किसी खास अंग पर गिरना भी भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं को दर्शाता है। यह चीज आपने बहुत बार सुनी होगी कि दीपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो उसमें लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके ऊपर पड़ जाए तो घर में वर्षों तक के लिए सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से हम अनेकों लाभ पा सकते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपके लिए आज लेकर आए तो जानते हैं कि ऐसा कौन सा वह सरल काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हैं, ताकि अपने जीवन के तरक्की के मार्ग खुल जाए और छिपकली दिख जाए तो सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग खोल देते हैं। दोस्तों, जब भी आपको घर में कभी छिपकली दिखे तो तुरंत भगवान की मूर्ति के पास रखा सिंदूर और चावल लाएं और उसे दूर से ही छिपकली के ऊपर छिड़कते हुए ऐसा करते हुए अपने मन की कोई भी आपके मन में मुराद है तो मन ही मन बोले और यह कामना करे, वह आपकी मुराद पूरी हो जाए। शास्त्रों में छिपकली को एक पूजनीय प्राणी माना गया है। इसके पूजन अर्चन से धन से संबंधित परेशानियां सारी खत्म हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, छिपकली आपके जीवन में आती है लेकिन ऐसे नहीं कि आपने दीवार पर देखा है। यह आपके लिए विशेष संध्या काल के समय जब आप पूजा करने वाले होते हैं और उस समय ही आपको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी छिपकली दिखे और आप ऐसा करने लग जाए। छिपकली एक ऐसा जीव है जिसे देखते ही लोगों को घिन आती है, इससे डर या भगाकर आप अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से छिपकली जो शुभ संकेत है, लेकिन जब दीपावली की आप सफाई करें या कोई अपने घर में सफाई कर रहे होते हैं तो आपके सामने मरी हुई छिपकली आ जाए तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके हाथों से सफाई करते हुए छिपकली या उसका कोई बच्चा मर जाए तो तुरंत उसे संस्कार कर दे, अर्थात कि जमीन में गड्ढा खोदकर उसको दबा देना चाहिए। इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज नहीं होंगी। नहीं तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं जिसे आप अपने जीवन में सोच ही नहीं सकते कि क्या होता है और क्या करने से आपके जीवन में ऐसे संकेत बार बार आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अब बात करते हैं संकेत की, कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिसे आप अपने जीवन में अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप
खाना खा रहे होते हैं और आपको किसी छिपकली की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और ये आपके जीवन में अचानक कोई धन प्राप्ति का संकेत दे सकता है, कोई शुभ समाचार का संकेत देती है या फिर आपको कोई शुभ फल मिलने के संकेत हो सकते हैं। और अगर आपको छिपकली का कोई समागम दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने वाले आला है और आपके जीवन में कोई संकेत है कि आपके जीवन में जो आप ढूंढ रहे थे, आप जिस व्यक्ति से मिलना चाहते थे, वह व्यक्ति आपके सामने आएगा और अब आपको लगेगा कि यह कैसे हो गया और इस प्रकार आपके जीवन में कोई नए संकेत दिखाई देंगे। दोस्तों एक ऐसी भी चीज है कि अगर आपको छिपकली मरी हुई दिखाई देती है सपने में तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसकी आपको पहले कोई अंदाजा न हो। ये हमारे अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आते जाते इंसान के हाथ या सर में छिपकली अचानक गिर जाए तो निकट भविष्य में मान सम्मान मिलने का संकेत है। कई ये भी कहा जाता है कि अगर घुटने में छिपकली गिर जाती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको खाना खाते समय छिपकली दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप खाना खा रहे होते हैं और अचानक आपके पैरों में छिपकली आ जाती है तो कोई जवर आपके जीवन में अर्थात की कोई बीमारी आपके जीवन में आ सकती है। माना जाता है कि अगर आपके घर में छिपकली है और आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उस समय अगर छिपकली आवाज करे तो इसका मतलब है कि आप जो बातें कह रहे हैं वह सच होने वाली है। कहा भी यह भी गया है कि अगर माथे पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर साथ ही अगर छिपकली किसी भी कीड़े या फतिंगे पर झपटे तो समझ लीजिए आप उसको देख लेते हैं और आप उसके बीच में आ जाते हैं तो समझ लीजिए कोई धन का आगमन के साथ ही धन का नुकसान भी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अगर ऐसा संकेत आपको मिले तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने किसी कोई कार्य हेतु जा रहे होते हैं और आपको उस कार्य के लिए जैसे ही आप प्रस्थान करने वाले होते हैं, बहुत ही कम ये होता है, लेकिन जब भी आप कोई प्रस्थान करने वाले होते हैं और आप देखते हैं कि दो छिपकली आपके सामने लड़ती हुई दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब है आप उस कार्य के लिए जाएंगे तो उसमें सफलता आपको मुश्किल से मिलने वाली है। उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उसके कार्य में सफलता मिले या ना मिले उस बात का भी आपको कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके शरीर पर छिपकली गिर जाए तो उससे भी आप कई चीजों का पता लगा सकते हैं। अगर छिपकली किसी के माथे पर गिरती है तो धन लाभ होता है। अगर दाहिने कान पर गिरे तो आभूषणों की प्राप्ति होती, जबकि बाएं कान पर गिरने से उम्र लंबी होती है। लेकिन अगर छिपकली आपके बाल, कई लोग हमें पूछेंगे कि माथे पर और बाल का क्या संकेत है, बाल विशेषकर महिलाओं के जो बाल ज्यादातर उसमें छिपकली फंस जाती है, गिरती है, तो समझ जाइए इससे आपको कोई बुरी खबर आने के संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप अचानक अपने घर के पूजा घर में छिपकली देख लेते हैं तो वहां पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और साथ ही आपको एक दीपक माता लक्ष्मी का जलाकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है माता लक्ष्मी से मांग ले तो निश्चित तौर पर आपकी वह इच्छा पूरी होती है और साथ ही पूजा घर में आपका काम भी बन जाता है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि बार बार आपको अपने सपने में छिपकली झगड़ती हुई दिखाई देती है, आपको इस सपन बार बार आता है तो इसका मतलब है किसी प्रकार के विवाद में आप फंसने वाले हैं और उसका पूर्व संकेत आपको मिल रहा है जिसका आपको सावधान रहना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी अनुरूप कार्य करने चाहिए ताकि आपको कोई अपने कार्य में असफलता हाथ नहीं लगे, आपको आपके कार्य में सफलता ही हाथ लगे। तो दोस्तों यह थे छिपकली से जुड़े सगुन शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे संकेत जिन्हें व्यक्ति समय से पहले देखकर संभल जाता है तो अपने जीवन में तरक्की कर लेता है, लेकिन जब वह संभलता नहीं है तो उसके हाथ से कुछ गलतियां होती है तो उसको उसका
का पछतावा भी करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।